नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया हुई शुरू। राज्यपाल ने फिर कुलपतियों की बुलाई बैठक। बिहार में वैशाख के महीने में ही सूखी 60 नदियां। अवैध खनन से निपटने के लिए हुई विशेष तैयारी। धोनी ने अपने 103 साल के फैन को दिया तोहफा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में बीएस यूएससी के जरिए अलग अलग विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएस यूएससी के माध्यम से अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग ने गणित, बांग्ला और उर्दू के लिए योग्य और अयोग्य की सूची को तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि सूची को जारी भी कर दिया गया और साथ ही तय सीमा के अंदर ही अभ्यर्थियों से सारे कागजात की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार उर्दू में 1,442 ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। गणित विषय में 2,384 आवेदन आयोग को प्राप्त हुए हैं और इधर बांग्ला में 443 आवेदन प्राप्त किए गए। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उस मीटिंग में मतदाताओं को पर्ची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के आदेश पर सभी बीएलओ के जरिए वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। मालूम हो कि राजनीतिक दलों के द्वारा वोटर स्लिप वितरित नहीं होने की शिकायत की जाती रही है। इसी के मद्देनजर सीईओ ने सभी हितधारकों से इनमें सहयोग करने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने फिर बुलाई कुलपतियों की बैठक। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बार फिर से कुलपतियों की बैठक बुलाई है। 6 मई की बैठक में फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को राज्यपाल ने तलब किया। मालूम हो कि पिछली बैठक में राज्यपाल के बुलाने के बाद भी के पाठक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। राज्यपाल ने अब तक 3 बार के पाठक को बैठक में बुलाया है, लेकिन के पाठक किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। 15 अप्रैल को राज्यपाल ने अपने चैम्बर में के पाठक को बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और राज्यपाल इंतजार करते रहे। और अब एक बार फिर से राज्यपाल ने शैक्षणिक स्थिति पर चर्चा और लंबित परीक्षा को लेकर के पाठक को बुलाया है। नीट यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। नीट यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 5 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 तक किया जाएगा। सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। मालूम हो कि 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस बार बिहार में 1,39,000 परीक्षार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। 35 जिलों में परीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। एडमिट कार्ड के माध्यम से छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी। वहीं केंद्र पर देरी से पहुंचने वाले छात्र और छात्राएं परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अवैध खनन से निपटने के लिए हुई विशेष तैयारी। अवैध खनन से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। मास्टर प्लान को तैयार किया गया है और इससे अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बिहार में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम लगाने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश है। वहीं नीलाम किए गए सभी बालू घाटों पर बोर्ड लगाने और बालू के ओवरलोडिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एकीकृत वजन मशीन स्थापित करने और अवैध परिवहन पर नजर रखने को लेकर आदेश दिया गया है। बिहार में वैशाख के महीने में ही सूखी 60 नदियां। बिहार में वैशाख के महीने में ही 60 नदियां सूख गई है। इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वैशाख के महीने में कई नदियां बालू में तब्दील हो गई है। कई इलाकों में नदियों की जगह घास और झाड़ी उग चुके हैं। बताया जाता है कि पिछले 5 सालों से गर्मियों की शुरुआत आने के साथ ही नदियों के सूखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं इस साल भी ये समस्या विकराल बनकर खड़ी हो चुकी है। इन नदियों को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर खेती, किसानी और पशुपालन कई मायनों में जल स्रोतों पर ही निर्भर है। नदी के सूखने के कई बुरे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्पाद विभाग के अफसर की शराब के नशे में गिरफ्तारी।
बिहार उत्पाद विभाग के अफसर की शराब के नशे में गिरफ्तारी हुई है। किशनगंज में उत्पाद विभाग के ट्रेजरी अफसर को शराब के नशे में उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग के अफसर को इस मामले में कोर्ट में भी पेश किया गया। मालूम हो कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने जिला कोषागार पदाधिकारी को उनके आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पहले थाना लाया गया और इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार के 12 जिलों के 30 बाल हृदय मरीजों का अहमदाबाद में होगा इलाज। बिहार के 12 जिलों के 30 बाल हृदय मरीजों का अहमदाबाद में मुफ्त इलाज किया जाएगा। 3 मई के अलावा 9 मई को बाल हृदय रोगियों के साथ ही उनके अभिभावकों को जिले से एम्बुलेंस में पटना लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में भेजा जाएगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन सह जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि अररिया, अरवल, मधुबनी और सुपौल के 2-2, वैशाली के 6, पश्चिम चंपारण के 6, सीतामढ़ी के 3, सिवान, सारण, समस्तीपुर, गया, कटिहार के 1-1 मरीज का मुफ्त में इलाज होगा। तेजस्वी यादव ने किया सवाल, लालू प्रसाद ने खोला रेल कारखाना, पीएम मोदी ने किया क्या? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ सहरसा के सोनवर्षा स्कूल मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया और कहा है कि लालू प्रसाद ने रेल कारखाना खोला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या किया है। मुकेश सहनी की सुरक्षा हटाए जाने पर भी तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि हम पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है, हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लालू यादव किसी से नहीं डरे तो उनका बेटा किसी से कैसे डर जाएगा। अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा सांसद आर के सिंह को दिया ये जवाब। काराघाट के लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा सांसद आर के सिंह को जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो आर के सिंह की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, बिहार की धरती के लाल है और ऐसे में काराघाट से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पवन सिंह ने कहा है कि काराघाट की जनता ने उन्हें अपना बेटा स्वीकार कर लिया है, ऐसे में काराघाट की जनता ही उनकी मालिक है, अब जनता ही आगे का फैसला लेगी। हालांकि पवन सिंह ने यह भी कहा है कि वो आर के सिंह की इज्जत करते हैं। मालूम हो कि आर के सिंह ने पहले पवन सिंह को काराघाट के चुनावी मैदान से हटने के लिए कहा था और इसके बाद अब पवन सिंह ने जवाब दिया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने दिया बयान। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने बयान दिया और कहा है कि वो भाग्यशाली है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिभा का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करने की अपील की है। मनीष कश्यप ने कहा है कि एनडीए का बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का लक्ष्य है और पूरे भारत में 400 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करनी है, इसके लिए अब दिन और रात एक करके हमें प्रयास करना होगा, इसके बाद भाजपा पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी। पटना हाईकोर्ट ने लालू यादव के साले साधु यादव को सरेंडर करने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने लालू यादव के साले साधु यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है। 23 साल पुराने केस को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। साल 2001 में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें पहले 3 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद अब जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने साधु यादव की क्रिमिनल रिविजन याचिका पर सुनवाई की और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। मालूम हो कि मामला सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। पहले उन्हें इस मामले में MP-MLA कोर्ट से राहत भी मिली थी। इस मामले में अब 16 मई को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर विजय सिन्हा ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन्होंने कहा है कि देश के किसी भी कोने से राहुल गांधी चुनाव लड़े लेकिन उन्हें देश की जनता का विश्वास नहीं मिल सकता है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि ये वायनाड से जीतेंगे या अमेठी और अब रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, ये कैसे देश के नेतृत्व का सपना देख सकते हैं। मायावती के पार्टी ने बिहार में 11 सीटों पर उतारा उम्मीदवार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बसपा ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बसपा के लिस्ट में
जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, बक्सर से अनिल कुमार चौधरी, काराकाट से धीरज कुमार सिंह, सासाराम से संतोष कुमार, वैशाली से शंभू कुमार सिंह, मधुबनी से विकास कुमार का नाम शामिल है। बसपा ने मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर विजेश कुमार, सारण से डॉक्टर अविनाश कुमार, हाजीपुर से शशि स्वराज, पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव और शिवहर से विजेंद्र ठाकुर का नाम बसपा ने शामिल किया है। और इससे पहले बसपा ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। धोनी ने अपने 103 साल के फैन को दिया तोहफा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें चेन्नई की टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 103 साल के सुपर फैन को अपनी ऑटोग्राफ वाली जर्सी तोहफे में दी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि धोनी के 103 साल के फैन का नाम रामदास है और ये ब्रिटिश फौज में कार्यरत थे। ये क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के भी फैन हैं। ऐसे में उनकी उम्र का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस उम्र में भी उनको खिलाड़ियों की पहचान है। धोनी से मिलकर रामदास काफी खुश नजर आए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, अमित कुमार, अभिजीत शुक्ला या अभिषेक कुमार? सही जवाब है आलोक शुक्ला। किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादकों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया? उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार या महाराष्ट्र? सही जवाब है उत्तराखंड। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है स्वर्ण। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन साल 1969 में किस दिन हुआ था? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? सही जवाब है 3 मई। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, काबुल, दमिश्क या इस्तांबुल? सही जवाब है हरारे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गुनर शर्मा, नुनू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, रामायण मिश्रा, नवल किशोर झा, नौशाद राजा, राकेश मिश्रा, सदुल्ला पालवी, नंद कुमार सिंह, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में वैशाख के महीने में ही 60 नदियां सूख चुकी है, कई नदियों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो आपके अनुसार भूजल स्तर के नीचे जाने की क्या वजह हो सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।